हेलो एवरीबॉडी, मैं हरी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी एंड मोटिवेशन। आज हम बी फार्मेसी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस के बारे में जानेंगे और कुछ स्कॉलरशिप भी देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो प्राइवेट कॉलेज की अपनी बी फार्मेसी के लिए पर ईयर के लिए अलग अलग फीस होती है, जैसे कि 65,000 से लेकर 1.5 लाख तक की फी आपको बी फार्मेसी पर ईयर को देने पड़ेगी प्राइवेट कॉलेजेस में। और कुछ कॉलेज की 80,000 है, 90,000, 95,000 है, 1,30,000 है, 1,50,000 है, ऐसे वेरिंग अमाउंट है फीस की। और अगर वही पर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको उतनी ज्यादा फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका नंबर लगता है। आपको भी पता है वहां पर नंबर लगना इतनी इजी बात नहीं, पर आपका अगर आपने वहां पर आपका नंबर लग जाता है तो आपको सिर्फ 50,000 से 20,000 के बीच में वहां पर फीस होगी वे फार्मेसी पर ईयर के लिए। और आपको शायद मैंने कुछ कॉलेज की फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस देखी है तो उनकी 70,000 और 80,000 ऐसी फीस है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पर ईयर के लिए वे फार्मेसी के लिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में बी एडमिशन लेते हैं तो आपको ईबीसी जैसी ईबीसी जैसी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे कि ईबीसी होती है और अदर कास्ट ओपन कास्ट के लिए ईबीसी होती है। अगर आप ओपन कास्ट में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको 50% फी के लिए ऑफ होता है। जैसे कि मैं आपको स्कॉलरशिप मिलती है 50% की, आपको 50% फीस वहां पर जमा करनी होती है। अगर आपकी फीस 80,000 है तो आपको सिर्फ 40,000 ही फीस वहां पर पेड करनी है। पहले तो 80,000 पेड करने पड़ते थे और फिर बाद में वो 40,000 वापस आ जाती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं, आपको 80,000 देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप 40,000 ही दे सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। और स्कॉलरशिप और कॉलकास्ट के जैसे कि अदर कास्ट के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप है, आपको उसके बारे में जरूर पता होगा। और अपने अपने हिसाब से बहुत ही कम आपको फीस वहां पर भी देनी पड़ती है अगर आपको स्कॉलरशिप है तो। स्कॉलरशिप के लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी प्रोसेस है आपको कंप्लीट करने पड़ती है। ये इन्फॉर्मेशन अपने जो भी दोस्त थे 12th साइंस के बाद पास हुए जिनको फार्मेसी एडमिशन लेना है उनको बता देना, क्योंकि फार्मेसी के लिए फीस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ऐसे एक अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।